والله ما عندي والله ممنوع ये चेक मारो माशाल्लाह ये देखिए गाइस तो ये रही हमारी आज की बिरयानी देखते भाई पूरी लाइन में बारी बारी बांटेंगे एक पानी का बोतल और उसके बाद एक ये बिस्किट ये देखते हैं एक बिस्किट और भी मैं दिखा दूँ आपको तो ये है हमारे नट्स हैं इस पर माशाल्लाह माशाल्लाह तो अपनी बहनों को लेकर कैसे टहला देखो ये देखो ये पापा भी उनके और उसके बाद ये सो हे गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मक्का शरीफ में जो रोड में रोजा अफ्तार होते हैं वो कैसा होता है कैसा मंजर होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि भाई रोज़ा खोलने का टाइम होने वाला है तो मैंने कहा भाई आज चलकर आपको जो रोड में रोज़ा अफ्तार होता है बड़े पैमाने में गाइस बहुत सारे लोग होते हैं वो मैं आज आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तो फटाफट चलते हैं क्योंकि भाई रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है बस अभी एक घंटा बाकी है तो फटाफट चलकर दिखाते हैं और देखते हैं भाई कैसा क्या मंजर है मक्का शरीफ में रोड साइड में रोज़ा अफ्तार क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भाई मक्का शरीफ में रोड पर बहुत ही बड़ा रोज़ा अफ्तार होता है काफ़ी बड़ा तो वो आज मैं खुद से देखने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो चलते हैं और आज आपको भी दिखाते हैं कि कैसा क्या मंजर है कैसे होता है सब कुछ आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ बाकी आप सामने देख सकते हैं क्लॉक टावर माशाल्लाह बस हमारे रूप से कुछ ज़्यादा दूर नहीं पास में ही है और अभी यहाँ से अगर जाएंगे तो इधर से भी आप जा सकते हैं इधर से भी आप जा सकते हैं मैं चलूँगा आपको लेकर इधर से तो चलो चलते हैं फटाफट एक घंटा टाइम है और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से दिखाऊं भाई कि भाई मक्के वाला जो रोड साइड में रोज़ा अफ्तार होता है वो कैसा होता है भाई सामने आप जो बस देख रहे हैं ना ये बस फ्री होती है जैसे कि आप मैंने दिखा दूं ये बस आपको पूरे मक्का में फ्री में ट्रेवलिंग करवाएगी ये देखो मौके पे आ गए तो मैंने आपको दिखाता चलो ये देखो तो अभी गाइस हम रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने लोग बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए ये चेक मारो माशाल्लाह देख पा रहे होंगे आप सारे लोग रोज़ में रोज़ा खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो चलो जगह ढूंढते हैं कहाँ पर जगह मिलती है और क्योंकि टाइम जो है अभी बस थोड़ा ही बाकी है करीब 30 से 40 मिनट बाकी आप देख सकते हो रोज़ा खोलने के लोग कितने सारे बैठे हैं सबसे पहले जगह ढूंढते हैं कहीं बैठने के लिए क्योंकि मेरे पास जनमाज भी नहीं है ठीक है आपको दिखाता चलूँ भाई यहाँ पर देखो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो इंतज़ाम करती है रोज़ा खोलने के लिए ये देखो माशाल्लाह देख रहे हैं ये सारा रोज़ा खोलने का इंतज़ाम है ये देखो चलो यहाँ पर बैठ जाता हूँ मैं फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये रोज़ा खोलने की टीम होती है पूरी तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रोज़ा खोलने का टाइम करीब है और यहाँ पे देखो ये रोज़ा अफ्तारी का इंतमाम किया जा रहा है देख रहे हैं रोड साइड पे देख रहे हैं ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं बॉक्स ये देखो तो माशाल्लाह देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ पर माशाल्लाह देख रहे हैं सामने क्लॉक टावर और नीचे यहाँ पर रोडों पर लोग बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा इंतज़ाम किया जाता है देखो कॉलोनी में लोग बैठे हुए हैं इधर देखिए आप माशाल्लाह ये देखिए ये सारे लोग इंतज़ाम करते हैं देख रहे हैं ये देखो और ये भाई देख तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई जो है सबको जूस बांट रहे हैं माशाल्लाह ये देखो ये होती है भाई मक्का शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए लेमन जूस मिल चुका है चलो अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है वेट करते हैं अभी तो पहला मिला है लेमन जूस बाकी देखते हैं क्या क्या मिलेगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी इनकी एक टीम है ये देखो ये पूरी टीम है जो कि खाने के जो बॉक्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं देखो क्योंकि भाई रोज़ा खोलने का टाइम बस एकदम से पास में है ये देख पा रहे होंगे आप ये देखो ये यहाँ पर पूरे बॉक्स रखे हुए हैं जैसे कि यहाँ पर रखें बॉक्स देखो ये रखे हैं बॉक्स ये पीछे बॉक्स रखे तो गाइस देख पा रहे हो ये यहाँ पर पानी बट रहा और सारे लोग बेचारे को परेशान कर रहे हैं ये देखिए देख पा रहे होंगे आप ये देखिए तो है ये खूबसूरती मक्का मदीने की भाई तो गाइस ये है खूबसूरती मक्के की रोड पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा भाई खोलने को तो गाइस देख पा रहे हो यहाँ पर सबको बिरयानी बांटी जा रही है देखो लाइन से बारी बारी करके सबके पास जाते हैं और सबको भाई बिरयानी मिलती है माशाल्लाह देखिए देख रहे हैं अपने पास भी बिरयानी आ गई ये देखिए गाइस तो ये रही हमारी आज की बिरयानी माशाल्लाह चलो अभी हमारे पास एक बिरयानी पाव पैकेट और एक लेमन जूस मिल चुका है और बस पानी का इंतजार है पानी की बोतल मिल जाए पूरा काम हो जाएगा समझ रहे हैं बाकी तो देख रहे हैं सब में भाई सारे लोग सबको पानी वगैरह सब दे रहे हैं ये देखो ये देखिए सबको सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पर बैठ जाइए आप आराम से पानी वगैरह सब कुछ ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए
हम तीनों को मिल गया था, तो आप उधर बांट रहे हैं। देखो दिखा दो इसके अंदर है क्या, ये देखिए। तो ये है बिरयानी, ये देखो भाई। तो गाइस देख सकते हैं ऐसे पूरे लाइन बाई लाइन सबको तस्कीम किया जाएगा भाई, क्योंकि अभी टाइम है मुश्किल से 20 मिनट होगा और ये लाइन तो पूरी कंप्लीट हो गई। तो अभी इधर पूरी लाइन में बिरयानी बैठी की, देखो माशाल्लाह। तो अभी गाइस यहाँ पे पानी भी मिलने का नंबर आ गया है, बारी बारी सब कुछ मिलता है, बिरयानी हो गया, पानी हो गया। ये देखो एक लाइन बाई लाइन सारे डब्बे रखे हुए ना, इस सब में सामान रहता है। इस पहले ना मैं आपको यहाँ का एक व्यू चेक कराता हूँ, माशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आपका। देखो ये चेक करो भाई, ये चेक करो, इधर देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना सिर्फ आपको रोज़गार मिलेंगे, माशाल्लाह। देख रहे हैं इधर देखो, लेडीज़ डिपार्टमेंट पूरा, ये देखो माशाल्लाह। चलो अभी यार पानी वगैरह नहीं मिला, पानी का वेट करते हैं। लाओ भाई जल्दी जल्दी लाओ फटाफट। बाकी आपने रस देखा कितना ज़्यादा क्राउड है भाई, ये होती है रोड साइड रोज़ा अफ्तारी में। बस यहाँ से आप देखेंगे क्लॉक टावर, जस क्लॉक टावर के नीचे ही बैठा हूँ मैं, ये देखो क्लॉक टावर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस पैकेट में क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा मैं आपको। ये देख सकते हैं ये पैकेट, इस पैकेट में क्या क्या होगा ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते भाई पूरी लाइन में बारी बारी बांटेंगे, तो चेक करते हैं पहले इसके अंदर है क्या क्या चीज़ इस पैकेट के अंदर, माशाल्लाह। तो पहले चेक करता हूँ इसके अंदर है क्या, ठीक है। आप यहाँ पे सारे में अफ्तारी बांटी जा रही है, ये देखिए, ये देखिए सब लोग मतलब बोल रहे हैं भाई एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ये देखो। और इधर का मंजर आप चेक करो, माशाल्लाह, ये है मक्के की खूबसूरती, माशाल्लाह। ये देखो इधर देखो आप, देखो गाइस बॉक्स मिल चुका है और इस बॉक्स में ना बहुत सारे आइटम्स वगैरह हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लिक कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंकल जी बैठे, अंकल जी कैसे हैं? गुड, पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान के और ये मुल्तान सुल्तान के माशाल्लाह मुल्तान के हैं ये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस पे एक ये देख सकते हैं ये ब्रेड है, ठीक है, चीज़ पफ करके एक ये चीज़ है। उसके बाद आपको मिलेगा एक पानी का बॉटल, और उसके बाद एक ये बिस्किट, ये देख सकते हैं एक बिस्किट। और भी मैं दिखा दूँ आपको, तो ये है हमारे नट्स हैं इस पे, ठीक है, नट्स हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा एक ये जूस मिलेगा, है ना। और उसके बाद ये आपके हो गए, ये हो गया आपका टिशू, हाँ ये पेपर हो गया। और उसके बाद ये हो गया खजूर। तो माशाल्लाह इस बॉक्स के अंदर आपको इतना ढेर सारा आइटम मिलता है, माशाल्लाह। चलो अंकल जी खजूर बांट रहे हैं, माशाल्लाह। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ बांटते नजर आया, कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे। कोई आएगा खजूर देगा, कोई आएगा पानी देगा, कोई आएगा कुछ भी देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे चाय मिल रही, कहवा मिल रहा, माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, तो सब कुछ तो मिल गया, तो अभी इंतज़ार है अजान का। और अंकल को पानी मिला है, इस पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, अंकल पूरा बर्फ़ जमा इस पर, कैसे पियेंगे, पूरा बर्फ़ जमा इसमें। अब इसको बोलो चेंज करके दे, ये देखिए इसको मतलब पानी मिला ना सब में, देखो ये पूरा बर्फ़ जमा है इसमें, देखो पूरा बर्फ़ जमा, ये पियेंगे कैसे अंकल। तो अभी बस अजान होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, तो दुआ वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर रोज़ा खोलते हैं। माशाल्लाह यार पहली बार मैं यहाँ पर रोज़ा खोल रहा हूँ और एक अलग एक्सपीरियंस है। ये हमारे चीचा हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं। तो अभी 5 मिनट बाकी अजान होने में, तो वेट करते हैं अजान का, दुआ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस नमाज हो गई और अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं, अच्छा चले फिर हम जा रहे हैं। जनाजा पढ़ना है, जनाजा है, अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी यहाँ पे कोई फौत हो गया तो उनका जनाजा है, तो जनाजा पढ़ के चले। रोज़ा भी खोल लिया और भाई नमाज जनाजा की नमाज भी अदा कर ली, अच्छा चले जा रहे हैं फिर चचा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। तो भाई चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बाकी आप मंजर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो भाई साहब मगरिब के बाद आप रस देखिए कितना ज़्यादा है, माशाल्लाह। तो सारे जितने रोज़दार थे रोज़ा खोलने के बाद अपने अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, ये देखो माशाल्लाह।
वो जहाँ पे भी जगह मिलेगी ना वहाँ पे लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे, समझ रहे हैं? मतलब हुदूद के दूर भी रोडों में लोग, देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको आगे ले चलूँगा ना, जहाँ तक आप जाऊँगा ना मैं, वहाँ वहाँ लोग आपको मिलेंगे रोडों में नमाज पढ़ते हुए। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये सफाई वाली जो टीम होती है ना, मतलब जैसे रोज़ा खोला बहुत सारी गंदगी होती है, तुरंत इनकी जो टीम है भाई फटाफट सारा कुछ साफ कर देते हैं एकदम 10 मिनट के अंदर, पूरा आपको क्लीन एकदम क्लीन मिलेगा गाइस। ये देखो बाकी भीड़ देखो, और कोने में मार्केट देखो आप, शॉप्स माशाल्लाह। रोज़ा खोलने का टाइम था ना तो सारी दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी रोज़ा खोलने के बाद फिर से ये सारी दुकानें ओपन की जा रही हैं। मतलब बंद नहीं थी, पूरी तरह से क्लोज नहीं थी, थोड़ा बहुत शटर वगैरह डाउन कर दिया था। बाकी आपको देखोगे कि अब जो है ना कि सऊदी जो लड़कियां होती हैं ना वो भी काउंटर में बैठती हैं, मतलब ये देखो। और इधर भी देखो सिम कार्ड वगैरह के यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, और इधर सोने की दुकान है माशाल्लाह, देख रहे हैं? सोना, सोने की अंगूठी, सोने के चैन, सोने के कंगन, ये यहाँ पर दुकान है देखो माशाल्लाह। और सारे अरबी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब सऊदी बैठे हैं, कोई भी इंडियन का कोई काम नहीं यहाँ पर। ये देखो माशाल्लाह, यहाँ पे रोड में नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई लोग, देख रहे हैं? और ये है तुम्हारी की होटल, यहाँ पे चिकन मटन सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। मतलब मक्का में क्या होता है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं मक्का में या सऊदी में कहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ते वक्त आगे से कोई भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने वहाँ इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई लोग नमाज़ पढ़ रहा हो और सामने से कोई निकल जाए तो भाई सलाम फेरने के बाद मार हो जाए कि नमाज़ तुमने कैसे काट दिया। और भाई यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, नमाज़ पढ़ रहा है कोई आगे से निकल रहा है, पीछे से निकल रहा है, बीच से निकल रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये हमारे इंडिया में क्या होता, अगर किसी ने नमाज़ कट कर दी ना तो सलाम फेरने के बाद, हाँ भाई तो ये सीन है यहाँ तो भाई एकदम आम यार, नमाज़ पढ़ते हुए कोई आगे से निकल रहा है, कोई बगल से निकल रहा है, हर वक्त कोई ना कोई निकलता रहता है क्योंकि इतने ज़्यादा इतने लोग होते हैं नमाज में। बाकी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है रात का। तो अभी फटाफट मैं रूम चल रहा हूँ, ठीक है? बाकी देखो अभी रोज़ा अफ्तार हुआ और उसके बाद कितनी गंदगी हुई, देखो गंदगी हुई, लेकिन ये वर्कर भाई इतने एक्टिव होते हैं कि तुरंत काम पे लग गए, देखो तुरंत फटाफट काम पे लग गए। देखो ये होते हैं भाई वर्कर यहाँ के। दुनिया के सबसे लकी इंसान कौन है, तो वो वर्कर हैं जो मक्का में काम करते हैं, मदीने में जो काम करते हैं, वो दुनिया के सबसे लकी इंसान है कि अल्लाह के घर में वो काम कर रहे हैं भाई। अल्लाह के घर में काम करने की यार सब किसी को मौका नहीं मिलता भाई, सब किसी को मौका नहीं मिलता। बाकी इधर देखो मार्केट वगैरह है, और लोग जा रहे हैं देखो उमरा करने के लिए, एहराम बांधकर जा रहे हैं देखो। तो अभी इसा के बाद इंशाल्लाह रात के 12 बजे के बाद जाऊंगी, रात के 12 बजे के बाद भीड़ नहीं होती तो आराम से करूंगा। तो गाइस देख सकते हैं ये सऊदी बच्चे हैं, देखो अपनी बहनों को लेकर कैसे टहल रहा, देखो ये देखो ये पापा भी उनके, और उसके बाद ये देखो देख रहे हैं उसका पहिया टेढ़ा हो गया, वो अपने दोनों बहनों को बैठाकर आराम से घुमा रहा, ये देखो माशाल्लाह। देखो ये सऊदी के बच्चे, देखो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये गाड़ी भी चला सकते हैं छोटे वाली, देखो 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 इसका जो है पहिया टेढ़ा हो गया तो ये सीधा नहीं कर पा रहा, चलो यार ताल ताल चल। तो गाइस ये पक्का इंडिया के होंगे या पाकिस्तान के होंगे 101%, चाहे इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, कि ये कारनामे सिर्फ इंडिया के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश वाले भी कर सकते हैं। ये देखो रात में मार्केट लगी हुई है छोटी सी रोड के किनारे, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नकाब वगैरह, जुब्बा वगैरह, शॉल वगैरह, जानमाज वगैरह, देखो ये देखो भाई, ये देखो भाई चादर वगैरह देख रहा, छोटी सी मार्केट ज़्यादा बड़ी नहीं, बस ये मस्जिद है, मस्जिद के जस्ट नीचे लगाई गई है, ये देखो शॉप रात को, ये देखो भाई। अभी वहाँ से निकल चुके हैं और हमारे जो पैकेट हमारे साथ है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मैं खा नहीं पाया तो कुछ चीज़ें मैं बचा कर रूम के लिए ले जा रहा हूँ, सुबह इफ्तारी के टाइम काम आएगा। और गाइस मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया कि भाई बहुत सारे लोग ना रोड पे ही अपने चादर वगैरह बिछा के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, रात भर लेट रहते हैं, वहाँ पर एक पार्क है वहाँ पर भी लेट रहते हैं। तो ये ज़िंदगी भाई, इंसान के पास बजट नहीं है तो इंसान रूम वूम नहीं लेता यार, 3-4 दिन 5 दिन के लिए आता है तो रूम वूम नहीं लेता वो। तो फाइनली गाइस देखा आज मैंने रोज़ अफ्तार किया रोड में, क्योंकि भाई अंदर जाता है लेकिन अंदर नहीं किया मैंने, बाहर किया, मैंने कहा रोड में कैसा क्या मंजर होता है। माशाल्लाह इतना खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं मक्का शरीफ में रोज़ अफ्तार कर रहा हूँ सबके साथ मिलकर, और हमारे साथ बगल देख सके आपने देखा था पाकिस्तानी चीचा थे और उनसे मैंने बात किया, और भाई हाँ जनाजे की नमाज भी मैंने पढ़ी, क्योंकि मुझे से मैं सलाम फिर के रुका तो मैं जाने लगा तो चचा बोले कि रुक जाओ अभी नमाज जनाजा भी होगी। तो मतलब क्या तब यहाँ पर होता रहता है, जैसे कोई किसी की मिट्टी होती है ना तो वहाँ पर लगे हाथ सलाम फिरने के बाद आपको जनाजा की नमाज भी पढ़ने को मिल जाएगा।
तो बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह हम सबको भाई उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर पे बुलाए, रोज़ा खुलने की तौफीक अता फरमाए, जुमा की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चीज़ में तो भाई खुशकिस्मत वो लोग हैं जैसे हमारे इंडिया के हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए तो भाई बढ़िया है। और वो जिद्दा के आसपास है ना, 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वो डेली हर जुमा को नमाज़ पढ़ने मक्का में आते हैं। तो माशाल्लाह क्या चाहिए, हर जुमा को आप जिद्दा मक्का में आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी दूर दूर से हैं तो वो भी आराम से 3-4 दिन का ट्रिप कर सकते हैं, करते हैं 3 दिन के लिए, 1 दिन मदीना में, 2 दिन मक्का में देते हैं। तो कैसा क्या लगा आज का ये वीडियो, एक प्यार से कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं क्या क्या वीडियो बनाऊँ, मक्के में कौन सी जगह जाऊँ, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी देख सकते हो, ये वकाला बोलते हैं इनको, इन शॉप को वकाला बोलते हैं। ये देखो इधर जूस की दुकान है, इस सारी शॉप को भाई अरबी में वकाला बोलते हैं। ये देखो ऊपर होटल, नीचे दुकान, ये देखो। चलो भाई अभी मेरा रूम जो है यहाँ से करिए मुश्किल से 500 मीटर होगा, तो फटाफट चलता हूँ यार, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद ऐसा के टाइम फिर से जाऊँगा मैं, क्योंकि आज मेरे को एक बार फिर से उमरा करना है। तो फाइनली गाइस कैसा लगा वीडियो, एक प्यार से कमेंट करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, थोड़ा वीडियो को शेयर करो। इतने प्यारे प्यारे वीडियो बना रहा हूँ रमज़ान में, अल्लाह के घर दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ज्यादा करवा रहा हूँ। तो एक प्यार से कमेंट तो बनती है, और सब्सक्राइब करना भी बनता है, शेयर करना भी बनता है। तो फिर मिलते हैं एक और प्यार से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू एंड अल्लाह हाफिज़।